अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहनें हमेशा की तरह खैरियत से होंगी। जी तो आज मैंने सोचा कि मैं पॉम पॉम्स के साथ आपको टसल बनाना सिखाऊं। जी तो जनाब, ये मेरे पास पीले रंग की एक पॉम पॉम है। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में मैंने आपको नेट के साथ भी पॉम पॉम्स बनाना सिखाई थी, आप जो है वो घर में भी बना सकती हैं। अच्छा, ये इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। मैं इसमें एक ही जो है ये पॉम पॉम इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो इसमें दो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और तीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले मैंने इसमें जो है सुई धागा सिंपल हमें चाहिए, उसमें सुई में धागा डालें। फिर इसमें आपके पास बीड्स हैं वो आपने वो डालने हैं। अच्छा, मेरे पास ये थोड़े से रेड कलर के बीड्स थे तो मैंने सोचा कि मैं इन्हीं बीड्स को इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि चीज़ जो है वो अच्छी लगे। जब तक आपका कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा होगा तो वो चीज़ आपको मतलब कि आपको क्या किसी और को भी अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, इसमें मैंने जो है ग्रीन कलर, रेड कलर ये मैंने यूज़ किया येलो के साथ। देखिए इनका मतलब कि आप देखने में भी ये अच्छे लग रहे हैं ये कलर। अच्छा, अब इसको जो है आपने रिवर्स लेकर जाना है, बैक आपने जो धागा है हमारा हम इसको बैक लेके जाएंगे। उन चीज़ों जिस तरह हम गुजार के लाए थे बीड्स में से, पोम पोम में से, फिर एक बड़ा बीड था उसमें से, फिर एक छोटा बीड था लास्ट पे, तो उस बीड को छोड़ के फिर आपने पोम पोम और बाकी जितने भी सारे हमने बीड्स जो है वो मैंने इसमें डाले थे वो आपने इसको रिवर्स लेके जाना नीडल को थ्रेड के साथ। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसमें जो है इसको बैग जो है वो लेके जा रही हूँ नीडल को, और इसमें थोड़ा जो है वो ध्यान से भी काम करना पड़ता है क्योंकि धागा सम टाइम ये होता है कि आपस में उलझ जाता है और इस तरह जो है वो काम सारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, इस तरह के आप टसल बना के डिफरेंट डिज़ाइंस के इसकी आप पैकिंग करके दुकानों में आप सेल कर सकती हैं, जहाँ पे ये काज ओवरलॉक और इस तरह की जो नलकी बटन की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर आप इनको जो है वो सेल कर सकती हैं। जी तो जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह।